ये रह गई अकेली। मुझे ऐसा लगता है जैसे कल ही पैदा हुई है। इन दोनों की ना बोलती बंद करा देती है अपनी रोने से। इन दोनों से ज्यादा स्माइल करती है। तो भैया ये है हमारी कंप्लीट फैमिली। एक टाइम में इतने इतने बाल निकल रहे हैं। थोड़ी सी मांसपेशियां भी ठीक रहती है इससे, फुल पावर के साथ। चेहरा बता सकता है मेरा? नहीं मैं खोल रही, इससे थोड़ी निकालेगी। थैंक यू बहुत अच्छा लगा मुझे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भैया सुबह सुबह यहाँ पे पूरी हलचल हो रखी है। तो यहाँ पे देख लो, आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा, आई लव यू बोथ। ये बोथ है, ये बोथ से करती है, ये आपसे ज्यादा प्यार करता है। जहर हम दोनों से करता है। नहीं नहीं मना कर रहे हो, कह रहे हैं दोनों से। तो आजकल क्या ना, आजकल बच्चे ना बात करने लग गए। जब भी मैं इनके साथ खेलता हूँ ना तो ये बात करते हैं मुझसे। क्या क्या बोल रहे हो? अच्छा क्या बोला भाई? समझ में आपको आ रहा है? हाँ क्या बोल रहे हैं? मैं समझ गई। वो ये कह रहा है कि मेरे को चुपचाप मम्मी गोदी उठा लो और ये मुझे देखो क्या कह रहा है। कह रहा आप भी उठा लो। अभी उठाती हूँ। और तूबा? तूबा कह रहे पापा आप मुझे उठा लो। ये रह गई अकेली। तूबा आ गई है मेरे पास। और तूबा को जब भी मैं उठाता हूँ ना मुझे ऐसा लगता है जैसे कल ही पैदा हुई है। सबसे छोटी लगती है मुझे। लेकिन गुड्डू पहले से तो बहुत ज्यादा वो हो गई, निखर गई है। पहले की अगर इसको देखते ना, पहले बहुत वीक थी, बहुत वीक थी। अब ठीक है, एक्टिव है ये पूरी और बातें बातें पूरी करती है, रात को जागती रहती है ना बेटी। अभी ना किसी ने ना तूबा को रोते हुए नहीं देखा। जब तूबा को रोते हुए देखेंगे ना तब बोलेंगे हाँ इन दोनों की ना बोलती बंद करा देती है अपनी रोने से। पहले और वैसे जब ये स्माइल करती है ना गुड्डू, इन दोनों से ज्यादा स्माइल करती है। हाँ जी करते स्माइल मीजा। तो भैया ये है हमारी कंप्लीट फैमिली। कुछ टाइम पहले हमने सोचा था परिवार तीन बच्चे थे, चार हो जाए। तो चार हो गए यानी कि सात हो गए हैं। तो ये हमारा कंप्लीट परिवार है ना बेटी। और ऐसे ही पांच लोग हमारे हरियाणा में हैं। बस बहुत अच्छा लग रहा है चीजों को बड़ा होते हुए देखते। तीन भाइयों की एक लाडली बहन है। चार भाइयों की। चार किसी हो बेटा? तीन भाई ना बेटा, तुम तीन की एक लाडली। पांच हो गए ना बेटा, दो आप हरियाणा में ना। वैसे पांच है। बस मैं तो जिंदगी में यही बोलूंगा यार, अपने काम में ध्यान रखो, खुश रहो और चीजों को बड़ा करो, अपने काम और अपनी फैमिली में खुश हो। क्या कह रहे हो? अबुम अबुम कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये अबुम बोलते हैं क्या बोलता है मुझे बता। जब चीकू छोटा था ना इसने भी आपको पापा नहीं बोला था सबसे पहले? अबा अबा ये करता है अबुम अबुम अबुम। इसने इसके दो वर्ड्स मुझे अभी भी याद है। पहला वर्ड है पुम पुम, जो बोलता था पुम पुम, और अभी बोल रहा है अबुम। क्या हुआ अबुम पुम पुम। तो गाइस आज से मैं करने वाला हूँ 90 दिन का एक जबरदस्त डाइट रूटीन और साथ साथ वर्कआउट। और मैं पूरे दिन की दिनचर्या दिखाने वाला हूँ कि मैंने क्या किया, कहाँ गया, क्या खाया, उसके बाद वर्कआउट कितना किया। ये नहीं कि हम एक दो मिनट में पूरी सीरीज दिखा दे, नहीं, पूरे दिन का वर्कआउट दिखाने वाला हूँ, पूरे दिन की डाइट दिखाने वाला हूँ और जहाँ जहाँ घूमूंगा उसके बाद भी मैं वर्कआउट करूंगा। यानी 90 दिन का एक चैलेंज ले रहा हूँ अपने लिए और कितना मैं निभा पाता हूँ ये मैं देख रहा हूँ। ठीक है भाई? बिल्कुल। और डाइट में ना गाइस हम दोनों तरीके की डाइट रखेंगे, नॉनवेज डाइट भी और वेज डाइट भी। जो नॉन वेजिटेरियन है, जो नॉनवेज खा सकते हैं उनके लिए भी डाइट होगी, और जो नॉनवेज नहीं खाते हैं सिर्फ वेजिटेरियन है उनके लिए भी डाइट होगी। तो गाइस ये है आज से मेरी किचन और यहीं पे बनने वाली मेरी रेगुलर डाइट। तो अभी मैं बनाने वाला हूँ ओट्स। ओट्स कैसे बना रहा हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मजेदार से ओट्स बस तैयार होने वाले हैं। इसको थोड़ा सा घुमा लें और जैसे ही ठंडा होता है फिर इसमें हम डालेंगे बनाना और थोड़ा सा प्रोटीन। और आप देख सकते हैं मेरी किचन में पीछे बुद्धा जी हैं, बिल्कुल शांति के प्रतीक। और बहुत सारी चीज़ें आजकल मैं देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ कि कितना आदमी को शांत रहना चाहिए। बहुत ही ज़रूरी बात मैं आपको बता दे, तो इसमें ना आपको ना शुगर ऐड नहीं करनी बिल्कुल भी। और जो ये वाले मेरे ओट्स हैं ये शुगर फ्री हैं। इसके साथ कहना है मैं ऑर्गेनिक पे चलेंगे, यानी कि बनाना में थोड़ा बहुत शुगर होता है, हम बनाना खाएंगे और साथ में प्रोटीन में भी थोड़ा सा आपको मीठा मिल जाता है, यानी कि वो भी शुगर नहीं है। तो बहुत ही अच्छी डाइट है अगर आप सुबह सुबह आप इसको लेते हो, उसके बाद आप वर्कआउट करते हो, मज़ेदार मील आपकी तैयार हो जाती है। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगा और मैं सोच रहा हूँ कि आगे से ना मैं टोंड दूध लूँ, क्योंकि ये फुल क्रीम है ना, तो क्या ना थोड़ा सा हेल्दी फैट का सामना करना पड़ जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसमें थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर हो गए भैया हमारे कंप्लीट ओट्स तैयार। और खाने के लिए देख लो कौन आए हुए हैं, जतिन भैया। मैं भी बनाने जा रहा हूँ बॉडी। नहीं भाई की मिल है। तो बहुत दिन से जतिन भैया आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे क्योंकि इन्होंने कर लिया एक पंगा। ये गए थे बाहर घूमने के लिए और वहाँ पे किसी बोट पे बैठे और अचानक से लहरों में झटका लग गया और कमर में हो गई दिक्कत, बहुत बड़ी दिक्कत हो गया, इसलिए मैं आ नहीं रहा था। बेड रेस्ट बोला था डॉक्टर ने ना, इस सिचुएशन में भाई बेड रेस्ट ही होता है। पर आपका व्लॉग चैनल से मैं बॉडी बनाऊंगा, देखना मैं सारे देख रहा हूँ व्लॉग ना, फिटनेस के
कैसे डाइट लेनी चाहिए, कैसे लेना चाहिए। अभी मैंने देखा आपकी प्रॉपर मील तैयार भैया, अभी ओट्स हो गए थे यार, ये खा के निकलते जिम के लिए और उसके बाद फिर नेक्स्ट डाइट जो भी वो भी दिखाता हूँ आपको आज। तो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी, अभी बस निकल रही हूँ जिम के लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि काम करती हूँ जिम से फ्री होने के बाद ना, आज ना मैं जाती हूँ अपने बालों की पीआरपी के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हेयर लॉस हो रहा है। मतलब एक टाइम में इतने इतने बाल निकल रहे हैं। कुछ नहीं, मैं यही सोच रही हूँ कि भैया की चप्पल नहीं मिल रही है, और भैया कह रहे हैं चप्पल कहाँ है। भाई ये चप्पल गायब हो गई है और वो सबको पूछ रहे हैं चप्पल कहाँ, चप्पल कहाँ। सूरज को भी पूछ रहे हैं। मैंने कहा भाई तेरी चप्पल हमें आती है क्या, जब तेरी चप्पल लेके पहनेंगे। सो गाइस आज हम करने वाले शोल्डर वर्कआउट, फर्स्ट है डंबल प्रेस। शुरू करते हैं, चट दे डोलिया च जान। तो अभी क्या कर रहे हैं ना, थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं, शोल्डर का वर्कआउट है, थोड़ी सी मांसपेशियां भी ठीक रहती है इससे। तो गाइस नेक्स्ट एक्सरसाइज है बारबेल शोल्डर प्रेस। तो गाइस हमारा वर्कआउट हो गया डन, तो सोचा वर्कआउट के बाद कुछ हेल्दी सी डाइट ले लेते हैं। तो गाइस जिम के बाद ना बहुत ही हेल्दी डाइट ली है, तो डाइट में मैंने लिया है ब्राउन राइस विद वेजिटेबल्स। तो गाइस ये वाली जो डाइट है ना, हम आपको दिखा नहीं पाई, बट मैं घर जाके जो भी डाइट बनाऊंगी ना, आज रात की जो डाइट होगी मेरे डिनर टाइम की, तो वो मैं आप लोगों से इसी ब्लॉग में शेयर करूंगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हेयर ट्रीटमेंट लेने के लिए, क्योंकि आपको बताया था ना एक्सट्रीम हेयर लॉस के लिए मुझे पीआरपी कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। सोचा पीआरपी भी करा लेती हूँ, साथ ही साथ मेरे को लेजर भी कराना था फेस का, तो वो भी करा लेती हूँ। तो भैया अभी हेयर का ट्रीटमेंट करवाना हो गया कैंसिल, क्योंकि जैद को आजकल थोड़ी खांसी है, तो उसको आज हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट थी अभी की, तो अभी लेके जाना है। जी वहाँ पे लेके जाना है, थोड़े दिन पहले भी ना उसको कफ हो रहा था, तो डॉक्टर ने बोला था अगर ये बढ़ता है ना तो आप मुझे दिखाना, तो मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती बच्चों के लिए, तो बस घर जाते ही सबसे पहले लेके जाऊंगी जैद को डॉक्टर के पास। मैंने ऐसा सुना है गुड्डू गोवा का वेदर बहुत अच्छा है अभी, बारिश का मौसम है वहाँ पे, तो गोवा में तो बारिश में ज्यादा मजा आता है, समुद्र में बच्चे मजा कुछ भी ले लेने देंगे ना, तो तुम्हें रोड पे घूमने देंगे कहाँ लेके जाएंगे। ये बात तो बिल्कुल सही करी है, बच्चों के लिए हमें अपने टूम को जो ऐसे ऐसा एक काम करो ना, ऐसा रूम ले लेना जहाँ पे रूम के अंदर ही बाहर बीच हो। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो सामने थोड़ी दूर, पर वो एंजॉय नहीं कर पाओगे यार, बच्चे छोटे हैं। सही बात है, पता लगे हम बीच पे हैं, बच्चे हमारे साथ बीच पे हैं, कौन कौन करने लग गए और हमें लेके भागना पड़ा वापस। हाँ। कि एक चलो पहले, हाँ। एक फिर और कहीं चल पड़ना, दोनों एक साथ नहीं जा सकते। तो एक काम करते हैं, नहीं नहीं मैं यही बोलने लगी थी फाइल को ले जाओ, मेरे तो बैग में काफी टाइम, अब मेरे बैग में दिक्कत हो रही मुझे फिजियोथेरेपी। मैं क्या कह रही हूँ, तू गोवा गई थी ना, है ना, तो मैं गोवा चली जाती हूँ और तू केरला चली जाओ, ये सही आइडिया। तो जैद को लेके जाना पड़ेगा साथ में, ठीक है मैं जैद को गोवा ले जाऊंगी। जैद को तो लेके जाना ही पड़ेगा एक बच्चे को, फिर मैं केरला चली जाऊंगी, पाल चली गोवा, एक ही साथ। एक जगह पे दो बार घूमोगे? नहीं एक ही बार घूमूंगा, अगली बार अगली सिटी। ठीक है फिर एक काम करते हैं, जितनी भी हमारी मतलब गेड़ कर लेते हैं, कश्मीर टू कन्याकुमारी कर लेंगे, ठीक है। कश्मीर से कन्याकुमारी स्टार्ट होते हैं, जहाँ जहाँ पे अच्छी अच्छी सिटीज है घूमने वाली वहाँ पे करते हैं। कश्मीर जा पाए तू, आपकी खांसी, पहले इसकी खांसी ठीक है क्या पहले से? अभी तो नहीं खांसा इसने, अभी खांसी नहीं है। अब आपको कफ बंद हो गया डॉक्टर के पास लेके जा रही, बंद हो गया? चलो मैं सोच रही हूँ की फिर भी एक बार काम करती हूँ, डॉक्टर को दिखाई देती हूँ ना कफ हो रहा है, ठीक है। अभी मैं प्रोटीन पीने वाला हूँ, प्रोटीन पीने के बाद थोड़ी देर मैं करूंगा आराम। मेरे को ये प्रोटीन नहीं पीना, मुझे दूसरा प्रोटीन पीना। तो भैया बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि कार्टून देखने लग गए हैं, तीनों बच्चे यही हैं यहाँ पे देख रहे हैं वो कार्टून, और तूबा देख रही है सबसे ज्यादा, तूबा कार्टून देख रही है, और ये कार्टून की आदत इसने डलवाई है। बच्चे इससे चुप हो जाते हैं, बट मैं दूर से इनको दिखा रही हूँ ना, पास से अगर दिखाते तो उनकी रेस बच्चों की आईज में जाती है, सेफ्टी के साथ बच्चों को दिखा रही हूँ कार्टून। तो गाइस अभी बज गए 9:16, तो जस्ट मेरा हो गया जिम का टाइम कार्डियो करने का। तो आज मैंने दो बार जिम करा, मॉर्निंग में करा शोल्डर का वर्कआउट, अब मैं कर रही हूँ कार्डियो, और कार्डियो करने से पहले मैं खाऊंगी फ्रूट्स। और ना थोड़े दिन पहले मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी कि आप लोग कह रहे थे कि अरमान जी आपको जबरदस्ती वर्कआउट करा रहे हैं, मतलब आपके स्टिचेस हैं अभी, आपको वर्कआउट नहीं करना चाहिए, सी सेक्शन हुआ है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये सब कुछ हमारी डेडिकेशन के ऊपर होता है, हमारी मोटिवेशन के ऊपर होता है। अगर मेरी बॉडी मुझे अलाउ करेगी गाइस तो मैं वर्कआउट करूंगी, क्योंकि मेरी बॉडी पहले अलाउ करती थी थोड़ा सा वर्कआउट करना, सिर्फ कार्डियो करना, तो मैं कार्डियो करती थी। अब मेरी बॉडी मुझे अलाउ करे कि मैं दिन में दो बार वर्कआउट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं घर का कोई भी ऐसा काम नहीं करती जिससे मुझे स्ट्रेस मिले, तो मेरी बॉडी अलाउ करती तो मैं वर्कआउट करूंगी। तो मुझे ये लग रहा था कि बारिश के बाद ना पेड़ पौधे ना खराब हो जाएंगे, पर इनके अंदर इतनी हरियाली है। तो एक बात और बोलनी थी मुझे, जो गमले के अंदर जितने पौधे ना, ये तो पूरे हरियाली दिखा रही है, पर ज्यादा बारिश होने का ना फसलें खराब हो गई। तो गाइस कार्डियो से पहले मैं करने वाली हूँ मोबिलिटी एंड कोर स्ट्रेंथ का वर्कआउट। तो अभी किया है भैया आधा घंटा मैंने ट्रेडमिल फुल पावर के साथ। तो गाइस मैंने वेरिएशन कर रही हूँ कोर स्ट्रेंथ को अपनी ठीक करने के लिए, क्योंकि पूरा एक साल का जो मेरा गैप रहा है ना, उसकी वजह से ना मेरा जो लोअर बॉडी है ना काफी ज्यादा स्टिफ हो गई है, मतलब कि थाइस ग्लूट्स बहुत स्टिफ हो गए, तो धीरे धीरे
स्टेप बाय स्टेप चढ़ रही हूँ, तो अभी बस एक्सरसाइज करी उसके बाद कार्डियो भी करूंगी। कितना मुश्किल लग रहा है वर्कआउट बोलो? चेहरा बता सकता है मेरा कि बहुत ही मुश्किल होता है, देखो फैट टू फिट होना, और मैं अपने आप को बोल रही हूँ गाइस फैट टू फिट, क्योंकि दोबारा से वही पोजीशन पे अपने आप को लाकर खड़ा करना ना बहुत ही मुश्किल है। कोई बात नहीं, डेडिकेशन होनी चाहिए, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और क्या है गोलू का वेट कितना? 78 कितना इतना? मैंने अपनी प्रेगनेंसी गाइस 64 से स्टार्ट की थी, जब मैं प्रेगनेंट हुई थी 82 पे गई थी, और अभी मेरा वेट है 74-75। ये लेके आएंगे 60 पे, ठीक है, और नेचुरल जाएगा ये सब कुछ, जिसमें बच्ची की फीडिंग भी चल रही है, दूध भी पी रही है, बस ये कि वर्कआउट डेली करेगी। और मैं अपनी डाइट भी ले रही हूँ, जो मुझे खाना है वो भी खा रही हूँ, पाती भी ले रही हूँ, दाल भी खा रही हूँ, मतलब फुल हेल्थी डाइट खा रही हूँ मैं। डेडिकेशन इतनी ज्यादा है कि आपको मस्कारा ही भर आ गया। ओह मस्कारा फिल्म गया मेरा। एक्चुअली गाइस क्या, मुझे इतनी ज्यादा स्वेटिंग हो रही थी, मैंने देखा नहीं, और मैंने टी शर्ट से ऐसे कर लिया पूरा मस्कारा। कोई बात नहीं, घर की जिम में बस अभी नीचे जाकर शावर लेती हूँ, कुछ हेल्दी सा खाना खाती हूँ, प्रोटीन पीती हूँ, और फिर सोऊंगी। यहाँ का जो व्यू है ना, यहाँ से बहुत ही प्यारी सी हवा चलती है ठंडी ठंडी, वैसे तो पूरी जिम में भी आती है, पर यहाँ से पूरी खुल के आती है सामने से। तो मुझे ना एक चीज समझ नहीं आती, जिस पौधे को उगाती नहीं वो क्यों उग जाता है, देखना वो ये बिना उसके। हाँ देखो, इसको हमने उगाया नहीं था तो कैसे उग गया? ऐसे ही कुदरत है, कुछ भी कर सकते। अच्छा एक पता है, ये वाला भी उगा था, और एक मैं ये दिखाती हूँ, देखो कितना बड़ा, ये कितना बड़ा हो गया देखना, देखो। और हमने टमाटर का पौधा था, और टमाटर के पौधे पता नहीं क्या हो गया। और एक बहुत अच्छी चीज और है, हमारी बेल देखो कितनी ऊंची जा रही है। ये क्या बोलते हैं, मनी प्लांट? हाँ इसे मनी प्लांट बोलते हैं, पर इसकी बेल कितनी ऊंची जा रही है ना। चीयर्स गाइस, तो यहाँ पे आ गया हमारा जिम का प्रोटीन, अरमान जी ने अपना फटाफट निपटा भी दिए। तो गाइस आपने अगर देखा होगा तो हमने गोलू के लिए सरप्राइज गिफ्ट जो है ऑर्डर किया था दिल्ली से, जेजे कम्युनिकेशन से हमारे भैया उन्होंने भेज दिया है अर्जेंट बेसिस पे। अगर आप दिल्ली रहते हैं और आपको फोन चाहिए तो आप वहाँ जाके ले सकते हैं। अभी आईफोन, और दिल्ली से लेके कौन आया है? दिल्ली से लेके आया है शोभी। तो भैया बस इसके अंदर है 1 TB फोन, और गोलू को दे रहे हैं सरप्राइज। इतनी आसानी से नहीं देने वाली मैं, 1 TB है, हमें मंगाने में इतनी मेहनत लगी है ना, उसको लेने में भी उतनी मेहनत लगेगी। गोलू ओए लड़की, अरे आजा बाहर, बाद में नहा लियो। क्या गिफ्ट है फिर से? कुछ इसमें कुछ तुम गड़बड़ करोगे पाए। और मैं देख 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 फिर तू ले ले, मैं इधर खड़ी हूं। मैं ले ना, तू खोल ले दिल्ली गिफ्ट। तेरे नहीं आया, मेरे थोड़ी आया। फिर से कुछ निकलेगा, मैं थोड़ा उधर खड़ी हो जाती हूं। मैं वहीं से खोलियो, उधर मुंह अपने तरफ करियो। देख फिर से इसमें कुछ निकलेगा पाए, कुछ भी अच्छी चीज है ले ले, उस तरफ मुंह कर दे। मैं थोड़ा, तुम लोगों को हमेशा मैं क्यों? अरे कुछ नहीं है, हाथ डाल के खोल, चल आंखें बंद करके खोल, आंखें बंद कर। हां नहीं 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 पाए प्लीज खोल, रुक जा, जब तू खोलेगी ना मैं उधर भाग जाऊंगी, ठीक है? पक्का कोई जानवर होगा। नहीं मैं नहीं खोल रही, गिर जाएगा, गिर जाएगा, बाहर निकल जाएगा पाए, चोट लग जाएगी उसे। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं भी जिम करके आई हूं। मत तो क्या हो गया, जिम करके आई हो? पावर आनी चाहिए जिम करने के बाद है। चल करके डरते नहीं है, प्लीज मत कर, प्लीज कोई जानवर तो नहीं है ना, बता दे प्लीज, बता दे प्लीज, इतना बता दे कोई जानवर तो नहीं है ना। पक्का जानवर नहीं लग रहा तुम्हें? जानवर जानवर नहीं, एक काम कर, छोटा ही है, इतना प्लीज, इतना चीकू का फेवरेट जानवर है, रैबिट है। खोल रहा है तेरा, खोल यार, खोल दे यार, ये मत कर दे गोलू, इतना टाइम नहीं मेरे पास, और काम भी होते हैं मुझे। इसको उल्टा कर दे, उल्टा क्यों कर दे, मर जाएगा बेचारा जानवर। और बताओ इतना महंगा मंगवाया बाहर से, यहाँ का है भी नहीं, हमेशा मुझे क्यों फंसाते हो यार? काटेगा नहीं, पर इतना छोटा सा, इतना ब्राउन कलर का, इतना छोटा सा ब्राउन कलर, क्यों है बेटा? इससे थोड़ी निकालेगी, अंदर ही अंदर, बिल्कुल नीचे जा, बिल्कुल नीचे जा, गिलगिलास होगा, देख गिलगिलास। नहीं हाथ से पता लगेगा, इधर उधर कौन सबसे अमीर हो गई है, 1 TB फोन है इसके पास। 1 TB है, होना भी चाहिए, काफी टाइम हो गया था इसके पास फोन नहीं। मेरे को इतना ज्यादा बहुत अच्छा लगा, मुझे हमारा मजा। आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, नमस्कार, बाय बाय, ध्यान रखो, सेफ रहो, राम राम।